अभी बात करते हैं निशा लांबा के बारे में। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है सुबह से। क्या एक लड़की मॉडर्न है, क्या लड़की मॉडर्न कपड़े पहनती है, वो हैवी है, तो इसका मतलब ये है कि लड़कों को कुछ भी करने का मौका मिल जाएगा, वो कुछ भी करेगा और लड़की ही गलत साबित होगी। ये कहाँ का न्याय है यार। निशा लांबा ने जो बनी है वो अपने बलबूते पर बनी है, किसी के बलबूते पर नहीं बनी है। वो कपड़े मॉडर्न पहनती है, वो हरकतें मॉडर्न करती है, वो क्लब में जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को परमिशन दे रही है कि आप कुछ भी करो मेरे साथ में, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ। वाह, ये कहाँ का न्याय है। दरअसल हुआ यह है कि निशा लांबा गई हुई थी क्लब में, किसी पार्टी वगैरह में, वहाँ पर एक लड़का भी था। अचानक से वो लड़का उनके पास में खड़ा रहता है और डांस हो रहा होता है, वो देख रहे होते हैं सब। लड़का पहले उनके कंधे पर हाथ रखता है, फिर उनको ड्रिंक ऑफर नहीं करता, मुंह पर लगाता है, सीधा ग्लास मुंह पर लगाता है। ये हरकत वो उनके मना करने के बाद में भी 2-3 बार करता है। ना तो उसको ये पता है कि उस ड्रिंक में क्या है, उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है, और ना ही कुछ भी पता। उसके बाद अगर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि निशा लांबा थप्पड़ मारने की बजाय वहाँ से चुपचाप चली जाती या फिर वो ड्रिंक पी लेती या फिर कुछ कर लेती, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की सोच पर लालच है। लालच से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलो मॉडर्न है या कुछ भी है वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो खुली खिड़की नहीं है किसी के लिए कि कोई भी आके चिट्ठी डालने की कोशिश कर जाए। कुछ क्या पता उस ड्रिंक में क्या होता है जो वो मिला के उसको दे देता और वो पी लेती है। और वो क्यों इस तरीके से किसी औरत, क्या औरत बिना औरत के परमिशन के कोई ऐसे हाथ रख देगा। अच्छा किया थप्पड़ मारा। मैं तो कहती हूँ कि आस पड़ोस वालों को भी 4-5 रखने चाहिए थे उनके ऊपर।